अपना एक विचार बदलो, लोग मुझे देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस कर। देखिए अभी आज एक एक लड़का मेरे पास में आया कुछ दिन पहले, उसको प्रॉब्लम ये था कि भाई लोग मुझे देखते हैं, खुद हो क्या है, अकेला आया, लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, मैं कुछ भी करता हूं तो उसके बारे में लोग आपस में बातचीत करते हैं, लोग मेरे तरफ देख के इशारे करते हैं, लोग मेरे बारे में बातचीत करते हैं, मेरे बारे में गॉसिपिंग करते होंगे। उसको पूछा मैंने, सच क्या है? सच है ये तो नहीं लगता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि होगा, मतलब ऐसा कोई डेल्यूजनल लेवल पे विचार नहीं था, ये खुद होके आया था। बोले इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बाहर ही नहीं जाता, घर के बाहर जाता आता नहीं है, हरदम यह है कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं हरदम बोलते रहता हूं, वो उसको बीमारी थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहते होंगे मेरे बारे में, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोगों की क्या अपेक्षा है, अच्छा देखेगा क्या, क्या करते होंगे, बार बार वही कर रहा है। क्या होता है कि एक चीज या एक बात आपने ध्यान रखना जरूरी है कि ये कितना फजूल का विचार है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो मतलब देखिए लोगों को कहाँ इतना टाइम है कि आपके बारे में बात करेंगे, जितना मतलब जो लोगों को हमने महत्व देना चाहिए, जिन्होंने जिनके बातों को हमने महत्व देना चाहिए, ऐसे बहुत बहुत क्रेडिबिलिटी वाले बहुत बड़े लोग हैं कि जिनका हमने सुनना चाहिए, जिनके बातों को हमने महत्व देना चाहिए, वो लोग हमारे बारे में बोलते नहीं है। जो फालतू लोग है, टाइम पास करते रहते हैं, जिनको कोई काम धंधे नहीं है, वो तो वैसे भी किसी के बारे में बोल सकते हैं। तो मैंने ये दिमाग में एक बात लाई कि लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे कुछ होने वाला नहीं है, मैंने मेरा काम करना, ये मैंने दिमाग में लाया। लोग तो बोलते ही रहेंगे तो मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। लोग ये फिराक में हैं कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो भी वैसी टेंशन में, क्योंकि बीमारी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब मुझे ये टेंशन है कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं या वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको ये टेंशन है कि मैं उनके बारे में क्या कह रहा हूं। सब अपने अपने फिराक में है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बातचीत, ये बीमारी है। एक बात ख्याल रखना चाहिए जो मैंने बोला, वो दोहराता हूं, कि लोग कुछ नहीं कहते हैं, ये अपना बहम है, लोगों को कुछ करना नहीं है, और दो चार लोग बोलते भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। आपको कितने ऐसे लोग पहचानते हैं कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप पंतप्रधान है कि भाई पूरा देश जानता है, पंतप्रधान को पूरा देश जानता है, क्या आप पंतप्रधान है, आपको आपके शहर में भी लोग पहचानते नहीं है। आपको हो सकता है कि 200 400 500 हजार के ऊपर लोग पहचानते भी नहीं है, और आपको रोज मिलने वाले कितने लोग हैं कि जो हफ्ते में आपको रोज एक बार मिलते हैं, हो सकता है कि 10-20 लोग होंगे कि जो आपको रोज मिलते हैं या हफ्ते में एक आधी बार मिल लेते हैं, बस उनको ही कुछ फर्क पड़ने वाला है, मतलब उनके बोलने में से ही कुछ फर्क होने वाला है, उसमें से भी अच्छे लोग रहेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। जो चिल्लर फालतू लोग है कि जो काम धंधे वाले नहीं है, जिनको कोई काम धंधा नहीं, जिनको एक ही काम है कि लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के बारे में बोलना, हंसना और मजाक उड़ाना, वो बोलते तो उनको महत्व भी देना नहीं है। ये आप ये बात करेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मुझे काम यह है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने करना, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।